जमाने के साथ बदलना चाहिए। मेरे सामने मसाले लगाएंगे, सीक्रेट मसाला है जो कि हमारे ग्रैंडफादर ने शुरुआत की थी। ये मसाला घर पे बनता है, हमारी वालदा बनाती है, बिन गुरु विद्या नहीं है। देख के ही आपको मजा आ जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू जमाना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। जमजम परफ्यूम्स। धुएं से भरी एक ऐसी अंधेरी पुरानी दुकान जहां एक ऐसा शख्स बैठा कबाब सेक रहा था जिसका एक हाथ नहीं था। लोग इनको टुंडे कबाबी कहा करते थे। ये बात है सन 1905 की। आज सन 2023 में उस एक हाथ वाले टुंडे कबाबी के रेस्टोरेंट को दुनिया में बेहतरीन जायका सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में जब 12वें मुकाम पर रखा गया तो हाजी मुराद अली साहब यानी टुंडे कबाबी के पोते उस्मान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करने लखनऊ आ पहुंचा। वक्त बदला, जमाना बदला, दौर बदला, टुंडे कबाबी के कपड़े बदले और अमीनाबाद के जायके, वही रिवायात और उन्हीं खुशबुओं को लेकर टुंडे कबाबी की नई नस्ल ने कदम आगे बढ़ाया। पेश है नए जमाने का पुराना टुंडे कबाबी। जमाने के साथ बदलना चाहिए, अगर हम जमाने के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। ज़माना तो बदला है, जायका ठहरा हुआ। बिल्कुल इंशाल्लाह वही अमीनाबाद वाला है। बिल्कुल वही इंशाल्लाह, कोशिश यही रहती है। हम किचन में जाएंगे, उस्मान भाई के साथ होंगे, कोशिश यही है कि अमीनाबाद वाली रिवायात को यहाँ लेकर आया जाए। किचन में चलते। मैंने अपनी हद से कुछ तजावुज़ करते हुए उस्मान भाई से फरमाइश की कि आज उसी पुराने अंदाज से बिल्कुल शुरुआत से आप हमें कबाब बनाना सिखाइए जैसे आपने सीखा था, और यहाँ उसी की तैयारी की जा रही है। ये है तो गुस्ताखी, लेकिन उस्मान भाई को ये जहमत दिए कि भाई एक बार आप शुरू से कबाब बनाकर दिखाइए। मैं वो वक्त, वो हाजी मुराद अली साहब के हाथ यहाँ महसूस करके आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे सामने मसाले लगाएंगे, कबाब बनाएंगे और इन्हीं कबाबों को हम टेबल पर बैठ कर खाएंगे। ये मटन पेस्ट है इसका, और ये जो है भुना हुआ बेसन है, और ये येलो चिली पाउडर है, जिंजर गार्लिक ऑनियन का पेस्ट है, और ये जो है हमारा सीक्रेट मसाला है जो कि हमारे ग्रैंडफादर ने शुरुआत की थी। ये है वो जान। ये वो जान है। क्या बात है, सारी चीज़ें सामने हैं लेकिन कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं कि उनको खुशबू ही रहने देना चाहिए। ये वो मसाला है जो पूरे अमीनाबाद को महकाता है। अच्छा जी, ये ग्रीन ग्रीन क्या आ गया साहब? ये है पपीता। पपीता है। क्या खुशबुएं हैं, क्या रंगतें हैं, मतलब ये मसाले देख के ही आपको मजा आ जाए। क्या खुश रंग क्रीमा है। अगर दुनिया की सारी चीजें डाल दी जाए, एक अदना सा नमक की तासीर खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये मसाले दरअसल मुख्तलिफ रंग मालूम हो रहे थे जिनसे अब पेंटिंग शुरू की जा रही थी। इन्होंने एक खास अंदाज से पहले मसाले मिक्स किए, इसके बाद मसाले और कीमे को एक कर दिया। आप इस वक्त हाजी मुराद अली साहब उर्फ टुंडे कबाबी के आज के सबसे सीनियर जानशीन यानी उनके पोते को उन्हीं के अंदाज से कबाब बनाते देख रहे हैं। कीमे और मसाले को अच्छी तरह एक जान करने के लिए उस्मान साहब के हाथों की खास मूवमेंट सीखने वालों के लिए अच्छा मौका है।
मसाला जो है इसकी सीक्रेसी किस तरह मेंटेन रखते हैं? ये मसाला जो बनता है ये घर पे बनता है, अहलिया बनाती हैं। क्या बात है। और मैं खुद भी साथ में लगता हूँ। ये पहले हमारी वालदा बनाती थी, अब तो बुजुर्ग हो गई बहुत ज्यादा। यूँ काम करते हुए शूट करना मेरे लिए किसी मोटिवेशनल वर्कशॉप से कम नहीं था। मैं आज ये वीडियो मैं खुद कैप्चर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बाई से एजाज है। लेजेंडरी टुंडे कबाब हमारे सामने फ्रॉम स्क्रैच तैयार हो रहे हैं। बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा एजाज है। थैंक यू सो मच सर। ये बाकायदा सीखा या वो मछली के बच्चे को तैरना खुद आ जाता है, वही कहानी है? देखिए हर चीज़ जो है बिन गुरु विद्या नहीं है, तो हमारे वालिद साहब ने जो है बड़ी मेहनत की, हमारा यहाँ तलक के जो आया है सिलसिला, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर कुछ अल्फाज में मुख्तसर सुन लें तो? मुख्तसर ये है कि जो देख रहे हैं आप, इसके पीछे बहुत ही, जब तक सोना आग में नहीं लगता है वो जेवर नहीं बनता है। सही, सही। हमने इस उम्र में यहाँ तलक के आने के लिए जो है, मैं ये समझ लीजिए कि बूचर खाने खुद जाता था, वहाँ से गोश्त ले करके खुद आता था चार भैये के ठेले से। क्या बात है। देखिए ये वो बात है जो आज पहली बार कोई सुन रहा होगा। और जो रूखा गोश्त होता था वो अपने होटल में भेजता था, और जो यही कह रहा था कि जमाना गुजरा है यहाँ तक आने के लिए। जी, क्या बात है। मतलब आज की नस्ल को अगर समझाया जाए तो सबसे पहला और सबसे आखिरी उसूल यही है कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जी बिल्कुल, कंफर्ट जोन सबसे डेंजर जोन है जिंदगी। बहुत, वह मैंने अर्ज किया ना आपसे जी कि जब तक सोना आग में नहीं तपता वो जेवर नहीं बनता। रहमत हमेशा मेहनत के बाद आती है, यह हकीकत उस्मान साहब ने अपने अंदाज में हमें बताई। इस कीमे को मसालों के अलावा कुछ और खुशबुएं भी दी जाएंगी जो इस इत्र की शीशी को देखकर मुझे मालूम है। किसी डिश को कोयले का धुआं देना एक आम सी बात है, लेकिन इन दहकते हुए कोयलों पर जब ये लौंगें सवार कर दी गई तो ये एक सुपर चार्ज्ड स्मोक बन गया, और इस धुएं को पूरा मौका दिया गया कि वो कीमे का हिस्सा बन जाए। और अब वो वक्त था कि इस कीमे के कबाब बनाकर सेंका जाए, तो बस उस्मान साहब के हाथों ने चलना शुरू कर दिया। वही पुराना रिवायती अंदाज, उसी अंदाज के छोटे छोटे पेड़े और उसी अंदाज की ये परात। मैं अभी यही कह रहा था कि जायके, रिवायात सब कुछ वही है, यहाँ तक के हाथ भी वही हैं, सिर्फ जगह बदली है, माहौल बदला है। के इस पुराने टुंडे कबाबी के दो हॉल हैं। एक हॉल जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये नॉर्मल सा है, अगर आपको थोड़ा सा तहजीब की तरफ, थोड़ा फाइन डाइन की तरफ जाना है तो इसके अपोजिट एक और हॉल है, वहाँ पर स्पेशली फैमिलीज के लिए अरेंजमेंट है। ये बताइए खाने क्या क्या है यहाँ? ये सर हमारा मटन स्टू है, ये भी बहुत ही पुरानी डिश है हमारी। अच्छा, ये वहाँ भी होता है अमीनाबाद में? ये वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। ये हमारा बटर चिकन है हमारा, ये हमारा है मटन कोरमा, ये हमारा चिकन कोरमा है, ये हमारा चिकन मसाला है शाही चिकन मसाला, ये मुगलों के जमाने से चला। बनगोश जैसा होता है उससे अलग होता है? ये अलग होता है, ये थोड़ा थिक होता है, इसमें गाढ़ी ग्रेवी पड़ती है। चिकन काली मिर्च है हमारा, चिकन काली मिर्च आ गया, ब्लैक पेपर से उसके बाद। ये हमारा चिकन बोटी कबाब है, ये भी ग्रेवी होती है? जी हाँ,
और ये मटन बोटी कबाब है। मटन बोटी कबाब आ गया। बात यह है कि यहाँ मैं इन खानों का तारुफ सलमान से ले रहा था कि यहाँ पका हुआ क्या क्या है। ये चार छः आइटम्स के ऊपर से जब मैं गुजरा हूँ और सांसों के साथ ये अंदर गया है तो यकीन जानिए खानों का भी नशा होता है। खानों का नशा हो गया भाई साहब। बात यह है कि हम कबाबों के नवाब के यहाँ नवाबों के कबाब खाने बैठे हैं। मेरे साथ में हाजी मुराद अली साहब के पोते यानी टुंडे कबाबी जो मशहूर थे, आपने इनको भी कबाब बनाते स्क्रैच से देखा। अब हमारे साथ वही कबाब हम यहाँ खाएंगे। और साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी आप नौश फरमाएं। जी शुक्रिया शुक्रिया। आप भी आप किसी भी रेस्टोरेंट के खाने कितने ही लजीज हों, जब तक मेहमान नवाजी का एलिमेंट उनमें शामिल ना हो तब तक वो अपने असली मज़े को नहीं पहुंच सकते। उस्मान भाई की मेहमान नवाजी देखते ही बनती थी। ये बड़ी वजनी ये बड़ी भारी टेबल, क्योंकि इसके ऊपर जो कबाब हैं वो साहब के खुद के हाथ के बनाए हुए हैं और मुझे ये मौका मिला कि मैं ये खा पा रहा हूँ। तो यहाँ तो ये मशहूर टुंडे कबाब हैं, गलावटी कबाब इसको वैसे कहते हैं, लेकिन जो ये बनाते हैं उसको हम टुंडे कबाबी कहते हैं। साथ में है हमारे पास ये चिकन मलाई टिक्का, ये चिकन नॉर्मल टिक्का, ये आ गया इनका सीख कबाब और ये आ गया इनका चंगड़ी कबाब। ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो शुरुआत होगी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। हम कपूरथला में हैं, हम टुंडे कबाबी पे हैं, हम लखनऊ में हैं और ये कबाब बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। आज ये बहुत ज़्यादा ख़ास इसलिए है क्योंकि इसको आपने स्क्रैच से बनते देखा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। चैलेंज यही था कि अमीनाबाद में जो इसकी बहार है उस बहार का सर्कल बढ़ाया जाए बगैर किसी तब्दीली के। मैं यहाँ उसको बिल्कुल 100% उसी तरह का उसी जायके और उसी खुशबू का टुंडे कबाब महसूस कर सकता हूँ जो मैंने 2 साल पहले अमीनाबाद में खाया था। वहाँ भी मेरी उस्मान भाई से मुलाकात हुई थी। कबाब से एक कदम आगे बढ़ते हैं। इनका चिकन मलाई टिक्का है, मलाई टिक्का है तो मलाई होना भी चाहिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। अवधि खानों में खुशबुओं के बड़े खेल हैं। जी जी ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक ताला ने दी हैं उनको, जी लौंग है, इलायची है, जौतरी है, जायफल है, जितने भी मसाले हैं ये जितने भी हैं ये यूनानी टिप में हैं और साइड इफेक्ट नहीं होगा। हमने बहुत टिक्के खाए हैं दिल्ली में। ये चिकन टिक्का मलाई टिक्का इसकी भरमार है, बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जो यहाँ मैं खाता हूँ हर बार लखनऊ में आकर उसकी खुशबुएँ इस कदर मुख्तलिफ होती हैं। और ये आप देख लीजिए कि ये थाई का पीस है और इसका जब आप टिक्का बनाएंगे वो बना होगा टुंडे कबाबी पर तो उसका क्या हाल होगा, उसके खाने वाले का क्या हाल होगा, खा कर देखते हैं। मैं उमूमन ये कहा करता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, नमक कम रह जाए तो हंडिया बर्बाद, ज़्यादा हो जाए तो हंडिया बर्बाद, नमक मुनासिब रहे बिल्कुल सही सही तो ओके। लेकिन यहाँ एक चौथा पॉइंट है मेरे पास, इसी पर मुझे आपकी राय चाहिए। अगर नमक 1% ऊपर हो जाए तो खाने का जायका कहाँ पहुँचता है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि खाने में जायका बढ़ जाता है। सही बात। ये मास्टर्स की तरफ से ये राय आई है कि ये बात ठीक है। मैं आज तक बोलता रहा लेकिन डॉक्टर ने इजाज़त दे तभी खाइएगा भाई नमक ज़्यादा। जी जी ये बहुत ज़बरदस्त टिक्का है। पराठा लीजिए। जी पराठा के आखिर में इससे मैं फाइनलाइज अपने मुँह को इससे मैं मुअत्तर करूँगा। अच्छा ये काकोरी तो नहीं है? काकोरी नहीं। देखिए काकोरी कबाब में जो होता है वो 30% जो होता है फैट होता है। हाँ इस कबाब में आपको फैट नहीं मिलेगा क्योंकि क्या आप गरम गरम खाएंगे तो काकोरी ठीक है सही लगेगा, लेकिन अगर आप उसको ठंडा करके खाएंगे तो सारा आपके अंदर फैट की लेयर होती है ऊपर एक फिल्म चढ़ी रहती है। जी। अच्छा ये कबाब बातों बातों में बगैर तोड़े टूटा है। इस मासूम से कबाब को हाथ में ही लिया था, इस हाथ का इधर रह गया, इस हाथ का इधर रह गया, बहुत नरम है। ये कमाल है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हल्की सी मिठास लिए होता है ये मुगलाई पराठा। इतनी गैंडअप होती है बहुत ज़बरदस्त।
खुशबू आ रही है जो आपको अमीनाबाद की फ़ज़ा में महसूस होगी। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक निवाला इस कबाब के साथ और उसके बाद आपसे इजाज़त इसको ख़त्म कर दी। ये मैंने कसदन थोड़ा बड़ा बनाया है, निवाले को जीना है खाना नहीं है। वैसे यहाँ पे उस्मान भाई ने बताया कि बहुत अच्छा वेज भी अरेंजमेंट है यहाँ पे, वेज के कबाब भी होते हैं। इस खाने को खत्म करके आपको तो ये था यहाँ तक आने का सफ़र, यानी अमीनाबाद से जो टुंडे कबाबी है वो उठ के अब आप कपूरथला पे भी आ गया है। वही खुशबू, वही जायका, वही हाथ, वही रिवायात को लेकर तो यहाँ नए ज़माने के पुराने टुंडे कबाबी से मुझे यानी मोहम्मद याह को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।